कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स को कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाएगी। इस पर बिलासपुर जिला कांग्रेस ने रणनीति अख्तियार कर ली है। अगले 10 दिन के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष अपनी नई टीम के साथ जन जन को जागरूक कर एम्स को हथियार बनाकर हल्ला बोलेंगे। खास बात यह है कि कांग्रेस बिलासपुर मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की रैली करवाने की तैयारी में है, जिसके लिए पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से विशेष आग्रह किया है। पार्टी के जिलाध्यक्ष बंबर ठाकुर ने खबर की पुष्टि की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जब एम्स साइट पर पेड़ों के कटान के लिए NOC ही नहीं है तो फिर पेड़ कटान नहीं किया जा सकता, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद एम्स का काम बंद हो गया। बंबर ठाकुर का कहना है कि जब पेड़ कटान के लिए NOC ही नहीं है तो फिर अब काटे गए पेड़ों को कहां रखा गया या फिर कहां बेचा गया, यह जांच का विषय है और पार्टी इस मामले की तहकीकात करने का आग्रह करती है। ठाकुर के अनुसार 2015 में तत्कालीन सरकार के समय एम्स के लिए कोठीपुरा में जमीन दी गई थी, लेकिन 3 साल तक कोई कार्य नहीं हुआ और जब विधानसभा चुनाव आए तो शिलान्यास किया, लोकसभा चुनाव आए तो भूमि पूजन का काम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह महज वोट बैंक हथियाने के लिए एक ड्रामा मात्र था। जिला अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी एम्स पर सियासत कर रही है और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेन मुद्दा क्या है सर? आज हमने जिला बिलासपुर की कार्यकारिणी को विधिवत तौर पर घोषित किया है और जो कार्यकारिणी के अंदर पदाधिकारी बनाए गए हैं उन सब की जिम्मेवारी जल्द ही फिक्स कर दी जाएगी। उनको डिपार्टमेंट बांटे जाएंगे, पंचायतें बांटी जाएंगी। उन पंचायतों में बूथ स्तर पर जाके गांव-गांव में जाकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जो समाज विरोधी नीतियाँ रही हैं, जन विरोधी नीतियाँ रही हैं, उनको ये कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी पंचायतों में जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों को ठगा था, बिलासपुर के लोगों को ठगा था, खासकर कि यहाँ पे एम्स बनेगा, वो आचार संहिता लगने के तुरंत बाद एम्स का काम बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने ये बहाना लगा दिया कि जी पेड़ों का कटान की अनुमति नहीं थी इसलिए हम काम को बंद कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा, जो पेड़ों के कटान की अनुमति थी ही नहीं तो किस आधार पर उन्होंने जो है सैकड़ों पेड़ों की बड़ी चला दी, और वो पेड़ कहाँ गए, उनको किसको बेचा गया, एक इंक्वायरी का विषय है। और वो इसकी इंक्वायरी करें कि पेड़ कहाँ गए, किसकी परमिशन से काटे गए, जिसने ऊपर पेड़ काटे उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही है, पेड़ कहाँ बिके उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, और ये काम बंद हुआ तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र से और प्रदेश से, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, बिलासपुर की जनता से माफ़ी मांगे, खासकर अनुराग ठाकुर माफ़ी मांगे कि वो लोग बिलासपुर की जनता को, हिमाचल की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि हम एम्स बनाने जा रहे हैं। आज वो उनका पर्दा जो है पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए अनुराग भी माफ़ी मांगे, सतपाल सत्ती भी माफ़ी मांगे और अमित शाह माफ़ी मांगे कि हमने हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की थी, हम एम्स नहीं बना सके, उसके लिए हमने जो बजरी पूजन करके ड्रामे रचे थे उसके लिए भाजपा हिमाचल प्रदेश की और बिलासपुर की जनता से माफ़ी मांगती है। तो किन मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में सरकार बनाई थी कि हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा संस्थान दे रहे हैं, लेकिन दुख का विषय है कि 2015 में वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने बिलासपुर में जमीन ट्रांसफ़र कर दी, बकरी फार्म जो गौ फार्म हमारा कोठीपुरा के अंदर था, और उस जमीन के ऊपर ही इन्होंने उसका शिलान्यास किया। 2-2.5 वर्ष बीतने के बाद फिर उसका भूमि पूजन किया, बजरी पूजन किया, और जैसे आचार संहिता लगी तो बजरी पूजन भी बंद, शिलान्यास भी बंद, और वो काम भी बंद। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे कि भाजपा के लोग झूठ की राजनीति करते हैं और झूठ के सहारे वोट लेने की कोशिश करते हैं, जिनकी तस्वीर जो है लोगों के सामने, नंगी तस्वीर सामने आ चुकी है, इसलिए वो माफ़ी मांगे। यही हमारा मुद्दा है, इसी मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाकर के वोट मांगे। सर, आने वाले समय में और भी बड़ी रैलियाँ की जाएंगी, जैसे प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं उनको बुलाया जाएगा, किस तरह कार्यक्रम का शेड्यूल? हम यहाँ पे प्रदेशाध्यक्ष महोदय से और राजा वीरभद्र सिंह जी से हमने कहा है
कि बिलासपुर में प्रियंका गांधी जी की रैली कराई जाए, और उन्होंने कहा है कि इसको हम जरूर प्रियंका जी को न्योता देंगे और बिलासपुर में हम रैली करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकना, ये हमारा लक्ष्य है। यही कार्यकारिणी को निर्देश किए गए हैं कि पूरे पंचायतों पंचायतों में जाकर के, बूथ बूथ में जाकर, गांव गांव में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के झूठ को लोगों के बीच में उजागर करें।